जय हिंद दोस्तों, आपका एमके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं प्रतिशत चैप्टर के घोल टॉपिक को लेके आया हूं। ठीक है, घोल मिश्रण एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं, मिश्रण के जो क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत में, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं। ठीक है, आज मैं उसी पे बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो और जो घोल होता है ना, घोल में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन करवा दिया है, कुछ छोटे साधारण क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। इसके बाद फिर से देखते हैं, कभी वृद्धि पे आधारित क्वेश्चन करवाएंगे आपको, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन, फेल पास पे आधारित, ऐसे ही सारे जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। तो प्रतिशत के जितने भी सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो मैं सारे के कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक बर्तन में जो आपका क्वेश्चन है, लिखा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, आपके स्क्रीन में लिखा है, क्वेश्चन है कि 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, और उसके बाद दूध की जो वैल्यू है, जो मिल्क है आपका, वो 80% है। ठीक है, और कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, जिससे दूध की मात्रा वो कितना परसेंट आ जाए, 60% आ जाए। आई बात ना समझ में? सवाल यही है, कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण कितना दे रखा है, 80 लीटर। ठीक है, दूध कितना है, 80%, कितना पानी और मिला दिया जाए, वाटर और कितना मिला दिया जाए उसमें, इस मिश्रण में पानी और कितना मिला दिया जाए, कि जिससे आपकी दूध की मात्रा क्या हो जाए, 60%। मित्रों ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, देखिएगा, पहले मेरा दूध और पानी में मिल्क कितना था, मिल्क आपका 80% था, वाटर कितना था, 20%। लेकिन कह रहा है पानी और कितना बढ़ा दिया जाए, पानी कितना और मिलाया जाए। ठीक है, पानी कितना और प्लस कर दिया जाए, पानी की मात्रा कितनी और बढ़ा दिया जाए, कि जिससे हमारा ये जो दूध है 80%, वो किस पे आके रुके, 60% पे। यही आपका सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब ये बताओ, 80 लीटर मिश्रण है। ठीक है, तो 80% काट देंगे, कितना आ जाएगा, 64। 64 लीटर क्या मित्रों निकलेगा, दूध निकलेगा। क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। 64 लीटर क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। ये बताओ, जब 64 लीटर दूध हो गया, तो फिर आपका पानी कितना होगा, 16 लीटर। पानी कितना होगा, 16 लीटर। मित्रों इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो हमें किससे है, 64 लीटर से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिला दें, कितना प्लस कर दें पानी। ठीक है, पानी कितना मिला दें, कि आपका दूध कितना भी बन जाए, 60%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लो कोई बर्तन है, ठीक है, आप उस बर्तन में दूध और पानी का घोल बना के रखे हैं, एक बात ध्यान रखना, दूध और पानी का घोल बना के आप उस बर्तन में रखे हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं दूध और पानी के घोल को और पतला करना है, या फिर और उसमें पानी डालना है। ठीक है, तो आप मित्रों जितना पानी आप डालोगे, दूध की मात्रा उतना कम होती जाएगी ना, लेकिन मित्रों एक बात ध्यान रखना, जो दूध हमारा पहले था, जितना दूध की मात्रा मेरी पहले थी, दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि पानी बढ़ रहा है इसलिए दूध की मात्रा कम हो रही है, लेकिन जो हमारी प्रारंभिक मात्रा है दूध की, उतना ही रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूध कितना है, 64 लीटर, किसमें, 80 लीटर में 64 लीटर दूध, और 16 लीटर क्या है, ये आपका मिल्क है, और ये आपका क्या है, वाटर। कह रहा है कि कितना पानी और मिला दे मिश्रण में, जो मिश्रण हमारा 80 का है, मिश्रण कितने का है, 80 का, 80 धन x लीटर पानी मिला रहे हैं आप। मान लो यहाँ पे पानी जो है
पानी हम यक्स लीटर मिला रहे हैं, 80 धन यक्स। अब हमारा कितना होगा, 80 धन यक्स का 60% दूध, दूध की मात्रा कितना होगी, मिश्रण का नया मिश्रण कितना, 80 धन यक्स। नया मिश्रण क्या होगा, 80 धन यक्स, नया मिश्रण 80 धन यक्स, 80 धन यक्स का नए मिश्रण का 60% होता है दूध आपका, ये 60% बराबर किसके, 64 के, 64 ही रहेगा प्रारंभिक मात्रा, 64 ही रहेगी दूध की, बस इसी को सॉल्व कर लो यार। अब ये हो जाएगा आपका, यही पे सॉल्व कर देते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रतिशत मैंने यहां पे लगाया, प्रतिशत न लगा के नीचे 16 कर लो, ठीक है, बात तो वही हुई ना, 60% चाहे 60/64 काट दो इसको, ये 3 ये 5, 3 के गुणा से ब्रैकेट खोल दो, 5 के गुणा 64 में करा दो, तो ये कितना होएगा, 8 3 24 240, ये धन 3x बराबर 5 चौक 20 और 6 5 30 32, ठीक है। अब ये इसको इधर आप ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x बराबर ये उधर चलाएगा, 0 हो जाएगा, 12 में से 4 गए, 8 हो जाएगा और घट जाएगा, और x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 × 6, और उसके बाद कितना बचेगा, 2 और 3 6 18, 2/3, ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 26 सही 2/3 लीटर, 26 सही 2/3 लीटर पानी आप मिला देंगे ना, तो जहां पे दूध आपका 80% था, अब जाके किस पे रुकेगा, 60% पे, लेकिन दूध 64 लीटर ही रहेगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी, जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो दूध का प्रतिशत डाउन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं उसी मेथड से लगाने का, बड़ा आसान मेथड है, ठीक है, चलिए मिटाता हूं इसको, ठीक है। एक मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं, वही फॉर्मूले बेस पे आपको लगाना है, ठीक है, चलिए देखिएगा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं लिखता हूं, Q=A(x)y/, यहां इंटू का लिख रहे हो, ए डायरेक्ट लिखो या पे वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। चार बातें होती हैं, एक होता है मिलाई गई राशि निकाली गई राशि, दूसरी वैल्यू क्या होती है, प्रारंभिक मात्रा, तीसरी वैल्यू क्या होती है, पहला प्रतिशत, चौथी वैल्यू क्या होती है, दूसरा प्रतिशत, चार आपके आर्ट होते हैं, चार आर्टिकल होते हैं इसमें, ठीक है, कितने आर्टिकल, चार आर्टिकल होते हैं, क्या क्या होता है, क्यों होता है, क्यों क्या है, मिलाई गई राशि या निकाली गई राशि, मिलाई गई राशि या निकाली गई राशि, ए क्या है आपका, ए बराबर प्रारंभिक मिश्रण, जैसे 80 लीटर दे रखा है दूध और पानी का मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण है, ए क्या है, प्रारंभिक मिश्रण, यक्ष क्या है मित्रों, प्रथम, पहला प्रतिशत, और वाई क्या है दोस्तों, वाई दूसरा प्रतिशत है, ठीक है, आप समझ गए होंगे ना, अब इसी बेस पे आपको लगाना है सवाल, इसी बेस पे लगाना है, क्यों क्या है, मिलाई गई राशि या निकाली गई राशि, ए क्या है, प्रारंभिक मिश्रण, यक्ष क्या है, पहला प्रतिशत, वाई क्या है, दूसरा प्रतिशत, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, तो जैसे मिलाई गई राशि निकाली गई राशि मुझे पता करना है, ये मुझे नहीं पता, ए का मान कितना दे रखा है 80, यक्ष का मान कितना दे रखा है 80%, और वाई का मान कितना दे रखा है 60%, इन्हीं को फॉलो कराना है, ठीक है, चलिए देखते हैं, क्यू का मान आपको पता है, क्यू का मान मुझे नहीं पता सर, ठीक है, क्यू का मान पता है, नहीं पता है, ए का मान कितना लिखा गया है 80, ठीक है, यहां पे यक्स और वाई, यक्स का मान कितना 80% और वाई का मान कितना दे रखा है 60%, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, जो संख्या बड़ी होगी वही हम घटाएंगे, उसी से घटाएंगे बड़ी संख्या से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो गुणा, डायरेक्ट इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 20 आएगा, और वाई हमेशा नीचे रहेगा, सदैव वाई नीचे रहेगा, वाई का मान सदैव नीचे रहेगा, वाई का मान कितना दे रखा है 60 दे रखा है, बस हो गया 20 कम 20 60 बराबर कितना हो गया 80/3,
80 बटे 3 दूना 6 और 2 बचा 3 6 18 कितना जाएगा। लिखा गया है कि एक बर्तन में 90 लीटर दूध और पानी की मात्रा है, ठीक है 90 लीटर मतलब कि ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 90 लीटर, 90 लीटर में दूध और पानी है, दूध और पानी है ठीक है, ए का मान में जो मिश्रण होगा ए होगा ठीक है, मिलाई गई राशि निकाली गई राशि क्या होगी क्यू होगी, एक्स का मान क्या होगा आपका पहला प्रतिशत, वाई का मान क्या होगा आपका दूसरा प्रतिशत। वही कह रहा है कि कोई पानी दूध और पानी का एक मिश्रण है किसी बर्तन में रखा गया है 90 लीटर, तो वही बता रहा है कि 90 लीटर पानी और दूध का क्या है एक मिश्रण है जिसमें कह रहा है जिसमें दूध की मात्रा 60% है, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है 60%, और फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कितना लीटर पानी निकाल दिया जाए। ध्यान देना बातों, यहाँ पे पानी निकालने की बात कर रहा है, पानी बाहर कर दिया जाए, पानी क्या हो जाए बाहर हो जाए, मतलब पानी की कमी हो रही है ठीक है। तो देखो जब पानी की कमी होगी, जब पानी की कमी होगी तो दूध का प्रतिशत क्या होगा ऊपर उठेगा, पानी की जब कमी होगी तो दूध का प्रतिशत क्या होगा ऊपर उठेगा, क्यों ऊपर उठेगा क्योंकि पानी की कमी हो रही है, अगर पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो दूध की मात्रा क्या होगी डाउन होगी ठीक है, नीचे आएगी मतलब कमी आएगी, दूध की मात्रा में कमी आएगी कब जब पानी की वैल्यू बढ़ेगी तब। यहां पे क्या कह रहा है पानी निकाला जा रहा है, पानी क्या हो रहा है निकाला जा रहा है, तो पानी दूध और पानी का मिश्रण कितना 90 और उसमें उसमें दूध जो है मतलब कि मिल्क जो है वो 60% है, कितना लीटर पानी निकाल दिया जाए, कितना लीटर पानी निकाल दिया जाए कि जिससे दूध की मात्रा कितना हो जाए 75%, कितना हो जाए 75%। देखिए हो गया आपका क्वेश्चन, क्या क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है, किसका मान पूछ रहा है क्यू का मान पूछ रहा है, क्यू क्या है मिलाई गई राशि या फिर निकाली गई राशि, कैसे करोगे मित्रों 90 यहाँ पे लिख लो क्यू, क्यू इक्वल टू कितना 90, क्यू इक्वल टू कितना 90 ठीक है, गुणा का निशान लगाओ या ना लगाओ नहीं लगाते हैं ठीक है, गुणा लगा लो यहाँ पे अच्छा ठीक है। अब देखो 60 और 75 के बीच का अंतर कितना आएगा यहाँ, क्योंकि मैंने लिखवाया क्या था आपको एक्स और वाई का अंतर ठीक है, तो 60 और 75 के बीच का अंतर कितना 15, और आपको मैंने बताया है कि वाई प्रतिशत सदैव नीचे, वाई प्रतिशत सदैव नीचे, तो वाई प्रतिशत सदैव नीचे, तो वाई प्रतिशत सदैव नीचे होगा 15 × 15 = 75 ठीक है, 18 × 5 = 90, तो क्यू इक्वल टू कितना 18 आएगा आपका आंसर। 18 लीटर में पानी निकाल दूं, 18 लीटर पानी में निकाल दूं तो हमारा क्या हो जाएगा जो प्रतिशत 60 था दूध का वो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, पानी निकाल रहे हो आप मिश्रण से, पानी निकाल रहे हो, पानी निकाल रहे हो तो दूध क्या होगा बढ़ेगा ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था ठीक है। चलिए देखते हैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, जरूर एक बार जय हिंद लिखिएगा ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नमक और पानी का एक घोल है, नमक और पानी का एक घोल है, किसका घोल है नमक और पानी का, जिसमें नमक 20% है, घोल है यहां पे घोल नहीं दे रखा है, मतलब कि ए का मान अज्ञात है, ए का मान नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे ये चीज पता है कि x प्रतिशत कितना दे रखा है 20 ठीक है, कह रखा है कि इसमें कह रहा है कि नमक 20% है, यदि इस घोल से 2 लीटर पानी निकाल दिया जाए, मतलब q का जो मान दे रखा है, q का जो मान दे रखा है वो कह रहा है कि 2 लीटर क्या निकाल दिया जाए पानी, पानी निकाल दिया जाए, यहाँ पे साल्ट है ये ठीक है, साल्ट कितना परसेंट है 20%, और पानी कितना बाहर किया जा रहा है निकाला जा रहा है कितना लीटर 2 लीटर फिर कह रहा है तो नमक कितना परसेंट हो जाता है 25%, मतलब कि y कितना हो जाता है 25%, y कितना हो जाता है 25% ठीक है, y कितना हो जाता है 25%, तो आपसे पूछ रहा है a का मान प्रारंभिक मिश्रण कितना है, नमक और पानी का मिश्रण है कितना ये बात आपसे पूछ रहा है, तो क्या क्या दे रखा है मेरे भाई x का मान दे रखा है, q का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, a का मान पूछ रहा है, तो क्या करना है तो यहां लिखोगे 2 क्या है ये q है, 2 का मान क्या है q है, बराबर a का मान मुझे पता ही नहीं है, 25 और 20 का अंदर कितना 5, मैंने क्या कहा y हमेशा नीचे, y हमेशा नीचे, 5 × 5 = 25, 5 का पूर्णांक 2 में, तो 5 × 10 = 1 आ गया,
प्रारंभिक मिश्रण कितना, प्रारंभिक मिश्रण दोस्तों 10, प्रारंभिक मिश्रण कितना आएगा 10 आएगा, 10 लीटर। ठीक है, जो आपका सॉल्ट और वाटर है वो कितना है 10 लीटर, कितना लीटर 10 लीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। चौथा लिखा गया होगा कि एक बर्तन में, लिखा गया है कि एक बर्तन में एक बर्तन में 40 लीटर चीनी और पानी का मिश्रण है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, शुगर और पानी, ठीक है, वाटर का जो मिश्रण है टोटल वो 40 लीटर है, कितना लीटर है 40 लीटर, मतलब कि किसका मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है। ए क्या है, प्रारंभिक मिश्रण। क्यू क्या है, मिलाई गई राशि निकाली गई राशि। एक्स क्या है, पहला प्रतिशत। वाई क्या है, दूसरा प्रतिशत। ठीक है, इस तरह से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो सॉल्ट और वाटर की जो बात करें तो 40 लीटर है, दोनों मिला के कितना लीटर है 40 लीटर, दोनों मिला के 40 लीटर। फिर उसमें कह रहा है जिसमें चीनी की मात्रा 45%, शुगर जो है आपका वो 45%, अर्थात आप कह सकते हो कि एक्स का जो मान दे रखा है मेरे भाई वो कितना दे रखा है 45 दे रखा है। कितना परसेंट दे रखा है 45। और फिर आगे क्या कह रहा है, सवाल में लिखा है यदि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कहने का मतलब क्यू का मान कितना दे रखा है 10 लीटर, पानी मिला दिया जाए, पानी प्लस हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। अब सोचो जब पानी प्लस हो रहा है, पानी प्लस हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब पानी प्लस हो रहा है तो ये जो एक्स का प्रतिशत यहाँ 45 है तो वाई का प्रतिशत क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, आप खुद से सोचो। किसी मिश्रण में चीनी और पानी का घोल बना के रखा गया हो और जिसमें चीनी की मात्रा 45% हो, ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया बना हो सर, पानी और चीनी का घोल एकदम अच्छा हो, मतलब आपको अच्छा लग रहा हो पीने में, ठीक है, और वहां पे 45% चीनी है, एकदम बिल्कुल अच्छा है घोल, मीठा है, ठीक है, घोल मीठा है। लेकिन आप जब 10 लीटर पानी डालेंगे घोल में तो क्या होगा, 10 लीटर जब किसी घोल में जाएगा पानी जो है चीनी और पानी के घोल में 10 लीटर पानी और डाल देंगे तो मिठास चीनी की क्या होगी, कम होगी ना। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ चीनी की प्रतिशतता क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी, क्योंकि मैं पानी मिला रहा हूं, तो यहाँ पे वाई का मान क्या होगा मेरे भाई, मेरे भाई वाई का मान जो होगा वो कम होगा, वाई का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन। देखिएगा, क्यू का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 40 दे रखा है, और देखो यहाँ पे 45 है तो 45 माइनस वाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि वाई का मान मेरा कम है। कैसे पता चला, क्योंकि 10 लीटर पानी मैं प्लस कर रहा हूं, 10 लीटर पानी मैं क्या कर रहा हूं प्लस कर रहा हूं, जब मैं 10 लीटर पानी प्लस कर रहा हूं तो ऑलरेडी फिर चीनी की मात्रा क्या होगी, डाउन होती चली जाएगी, मिठास कम होती चली जाएगी। ठीक है, और बटे कितना आप लिख देंगे, वाई लिख देंगे, सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, इधर करेंगे आप हो जाएगा आपका ये 10y हो जाएगा, बराबर ये आपका हो जाएगा 0 4 5 20, 0 2 4 4 16, 16 2 18, ठीक है, माइनस 40y, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका 50y, और बराबर ये कितना हो जाएगा 18, जो काट देंगे इनको तो टोटल आ जाएगा आपका y का मान जो आएगा, y का मान आएगा 5 × 15 और फिर हो जाएगा 5 × 30, ठीक है 36%। y का मान कितना जाएगा 36%, y का मान मित्रों कितना जाएगा 36% आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को करना है, फिर से देख लेंगे, यहाँ पे मिटा के कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर से समझाया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, y का मान क्या अज्ञात है पता करना है मुझे। ठीक है, y ऑलरेडी क्या होगा कम होगा, y हमेशा मान नीचे रखा जाएगा। ठीक है, ये क्या है क्यूब है, मिलाई गई राशि निकाली गई राशि इक्वल टू कितना 40, ये आपका प्रारंभिक मिश्रण a का मान है, गुणा दोनों का अंतर, मतलब जो वैल्यू ज्यादा होगी उसी से घटाएंगे। ठीक है, जब 45 माइनस वाई बटे कितना लिख देंगे आप, वाई पूरा सॉल्व कर लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 10y हो जाएगा आपका, ये गुणा इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 40 को गुणा 45 में कराओगे 1800, माइनस कितना हो जाएगा 40 को गुणा y में कराओगे -40y, घटा लीजिएगा इधर आएगा ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 50y हो जाएगा और ये इतना 1800 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 36%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, कितना लीटर? 40 लीटर, ठीक है। क्यू का एक अमान कितना दे रखा है? 40 लीटर। एक अमान कितना दे रखा है? 40 लीटर, ठीक है। कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण जिसमें पानी 20% है, वाटर की वैल्यू कितना दे रखा है? 20%, ठीक है। और वाटर कितना दे रखा? 20%, जिसमें पानी कितना है? 20% है। और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए? क्यू का मान पूछ रहा है आपसे, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे पानी की मात्रा 30% हो जाए, जिससे पानी की मात्रा कितना हो जाए? 30%। देखो ये एक्स है आपका, ये वाई है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो पांचवा नंबर सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कैसे इंपॉर्टेंट है, इस बात के लिए हम देख लेते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या कहा कि जो राशि हम मिलाते थे, जो राशि हम मिलाते थे प्रतिशत उसका अपोजिट दे रखा था। जैसे चीनी का प्रतिशत दे रखा तो पानी मिला रहे थे, पानी का प्रतिशत दे रखा तो चीनी मिलाते, ठीक है। तो प्रतिशत जो होता अपोजिट था, प्रतिशत कैसे था? अपोजिट था। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत अपोजिट नहीं है, देखा, प्रतिशत मतलब कि प्रतिशत अपोजिट मतलब कि मिलाई गई राशि और प्रतिशत की वैल्यू अपोजिट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे किसका प्रतिशत दे रखा है? वाटर का, है कि नहीं भाई? किसी उसमें जो है चीनी और पानी का घोल है, दूध या पानी का घोल है, दूध और पानी का घोल है जिसमें जो है आपका ये 40 लीटर क्या है? प्रारंभिक मात्रा है, और इसमें जो पानी है 20% है, और कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाएगा 30% हो जाए। तो जब ऐसे सवाल आ जाते हैं जो राशि मिलाई जाए वही प्रतिशत दे रखा हो तो कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको चेंज कर लेते हैं। जब पानी यहां 20% है तो फिर दूध कितना होगा? 80% होगा। दूध कितना होगा? 80%। यहां पानी 30% है, दूध कितना होगा? 70%। बदल गया आप सवाल। अब देखो कि दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण में 80% दूध है, ठीक है, कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध 70% हो जाए। सवाल बन गया आपका, कन्वर्ट हो गया सारी चीज। जब राशि जो मिलाई जाए उसके अकॉर्डिंग प्रतिशत नहीं होना चाहिए, उसके अपोजिट प्रतिशत होना चाहिए बस। अब देखो 40 गुणा कितना? 70 और 80 का अंतर 10 बटे कितना? 70, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा क्यू के, ठीक है, काट दो इसको, 40 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 पचा 35, 5 सही 5/7 लीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका क्यों आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आ रहा हूं, ठीक है।